आजमगढ़ के दीदारगंज थाना के कथौली गांव के स्थित शिव मंदिर से 2 दिन पूर्व अगवा किए गए प्रधान पति हौसला प्रसाद राजभर के सोमवार सुबह मरणासन अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। मंदिर के दक्षिणी बरामदे में मरणासन अवस्था में पड़ा देख प्रधान पति की बहन सुशीला ने शोर मचाया। ग्रामीणों ने उन्हें शाहगंज जौनपुर के एक निजी चिकित्सालय के यहाँ भर्ती कराया है। रविवार को अपहरण के आरोपी अशोक कुमार यादव पुत्र अक्षय लाल को 7:30 बजे के करीब गांव की सीवान में पकड़ा गया था। इसके बाद भोर में प्रधान पति मंदिर के बरामदे में धूसरित अवस्था में मिले, पीछे शर्ट फटी हुई। मामले में प्रधान शिला अशोक यादव, रामनवल कन्हैया लाल, जय प्रकाश, ओम प्रकाश यादव, राजकुमार यादव के खिलाफ चुनावी रंजिश के चलते अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें कन्हैया पूर्व प्रधान कुसुम यादव का पति है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की छवि पूरे क्षेत्र में दबंग की है और पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनके खिलाफ जल्द किसी शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है। बहरहाल प्रधान पति हौसला राजभर के जीवित मिल जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और उसका बयान दर्ज किया जा रहा है। वहीं आरोपियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पीड़ित प्रधान पति पर पहले भी हमला किया गया था, उस समय प्रधानी चुनाव चल रहा था। मामला यही नहीं थमा, 5 जून को उनकी पत्नी के चुनाव जीत जाने के बाद भी बाइक सवार 3 लोगों ने उन्हें मार पीट दिया था। फिलहाल पीड़ित के आवास पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। रविवार को उनके लापता होने के बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाओं समेत ग्रामीणों ने दीदारगंज चौक पर चक्का जाम कर दिया था। फिलहाल एसपी ने बताया कि मौके पर अब शांति है और प्रधान पति खतरे से बाहर है। मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जिला आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, एक अपराध की रिपोर्ट थाना दीदारगंज क्षेत्र में लिखाई गई थी और आरोप उन्हीं गांव के कुछ लोगों पर लगाया गया था कि उनके द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो थाने की पुलिस है वो एक्टिवेट हुई और आज प्रधान उसी गांव में सुबह सुबह मिला है गांव के बाहर और बताया गया कि उसे जो लेके गए थे वो छोड़कर चले गए। प्रधान का जो अपहृत व्यक्ति है उसका इलाज गांव चल रहा है हॉस्पिटल में और बयान दर्ज कराए जाएंगे। जो भी बात सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या स्थिति है? ठीक है, स्थिति ठीक है और प्रधान की बिल्कुल स्थिति ठीक है। मौके पर माहौल सर इसमें देखिए, वो कल जो ये गायब हुआ था, कुछ लोगों ने यह आशंका व्यक्त करते हुए कहीं उसे मान ना दें, वो जामाम लगाया था लेकिन के बाद खोल दिया गया था। आज कोई टेंशन नहीं है और अभी जो भी स्थिति होगी विवेचना में जिन जिन के नाम आएंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम क्या है? नंदलाल। आप उनके क्या लगाएंगे? बड़का दादा। अच्छा, का कैसे घटना रहा? घटना पूजा करे आए, यहीं से मतलब कुछ टाइम के बाद हम लोग घेरे लागे तो वो मिलबे ना करा। अच्छा 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 अच्छा, तो ओकरे बाद आप लोग पुलिस को सूचना दिए? हाँ, पुलिस को सूचना दे हम लोग, खोज वोज के पूरा पुलिस सूचना दे, पुलिस आए रात भर। अच्छा अच्छा अच्छा, सुबेरे 10 बजे बोला उतरा पुलिस। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? हम लोग फिर गए वहीं थाने पे। अच्छा, आपने तहरीर दिया वहाँ? हाँ। अच्छा अच्छा, और आगे क्या हुआ था? बस आगे हम लोग कुछ ना गए, वो FIR। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ। फिर आज सुबह जो है, सुबह यहाँ लाश मतलब यहाँ मट्टी मिली हुआ कर तो थोड़ा थोड़ा शरीर गर्म रही, आदमी जुड़ते उठाए लेके चला गए अस्पताल। लगभग अच्छा अच्छा, अब क्या हालत है उनकी? अब ठीक है। अच्छा, बातचीत कर रहे हैं? हाँ।